हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवाज भसीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि मैं एक येस बैंक का पर्टिकुलरली टारगेट और स्टॉप लॉस आपके लिए लेकर आया हूं, जो मुझे लगता है कि ये मिनिमम 50% तक की उछाल दे सकता है अपने करंट लेवल से। गाइस, टारगेट जो आप देख पा रहे हैं कि 60 का टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको 30 का मेंटेन करके रखना है। स्टॉप लॉस भी थोड़ा बहुत डीप है और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक पैटर्न डेवलप होते हुए दिख रहा होगा। सो गाइस, इस पैटर्न को हम चार्ट्स पे बनाएंगे, क्या क्या ट्रेंड लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल रहे हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे और आपको एक येस बैंक का एक परफेक्ट टारगेट और एक स्टॉप लॉस बताएंगे। बहुत परफेक्टली तरीके से होगा गाइस, एक पैटर्न डेवलप हुआ है। हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्पेकुलेशन न्यूज़ आ रही हैं, कभी पॉजिटिव आ जाती है, कभी नेगेटिव आ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा येस बैंक को ऊपर नीचे लेकर जा रही है। पर अगर हम सिर्फ चार्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद अब येस बैंक पे एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। मैं न्यूज़ उस बेसिस में नहीं कह रहा हूँ, मेरे को जो चार्ट्स अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो मैं सोचूंगा कि पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए। सो उस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं तो 50% तक की उछाल आ सकती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्या रेशियो है, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, सारा आपको ऑटोमेटिकली देख के मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप बस वीडियो को देखिए और चार्ट्स पे ध्यान से नोट करिए कि किस तरीके से मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, और जाके अपने चार्ट्स पे भी वही सेम चीज़ ड्रॉ करके रखिए कि अगर बाद में अगर आपको फ्यूचर में अगर वो चार्ट देखना हो और अगर आपको वो उसी लेवल पे मिलता है तो आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं और अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस, ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइड में आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस उससे ही जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको आपके YouTube चैनल पे सबसे ऊपर दिख जाएगी। और गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत से लोग हैं गाइस जो आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, रिश्तेदार होंगे, कि बहुत से लोग येस बैंक में अटके हुए हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या ट्रेड लेना है, कैसे हमें निकलना है, क्या वो हेजिंग करके शायद उसमें से प्रॉफिट बुक कर ले। तो बहुत से ज़्यादातर शेयर ज़रूर करिएगा अपनी सोशल मीडिया साइट पर या व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि चार्ट्स हमें ऐसा क्या दिखा रहा है। आप देख सकते हैं गाइस, ये मैंने येस बैंक का डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, डेली चार्ट ओपन करा हुआ है, और गाइस मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो आप ट्रेंड लाइन से आप ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन का जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ से करीबन एक साल पुरानी है ये ट्रेंड लाइन, ये जो रेंज निकल के आ रही है। अब मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ गाइस, आप ध्यान से देखिएगा, इस लेवल से आप नोट करिए, ट्रेंड लाइन के ये ऊपर गया और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया, आप देख सकते हैं, फिर ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर जाके इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी पर दोबारा नीचे आ गया। हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बता रखा है कि अगर कोई रेजिस्टेंस या अपने कोई सपोर्ट से नीचे तोड़ता है, रेजिस्टेंस से ऊपर तोड़ता है, तो हमें कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए होती है। कन्फर्मेशन कैंडल पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ गाइस, तो मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ कि कैसे वो कन्फर्मेशन कैंडल होती है। ये देखिए, इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करा, ग्रीन कैंडल के साथ करा, तो हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है कि जो जिस लेवल पे ब्रेक करा है, अगली जो दिन की कैंडल होनी चाहिए वो भी ग्रीन होनी चाहिए और अपने जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि हाँ, अब इस जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाने में कामयाब हुआ और अच्छे से वो रिकवरी कर सकता है। आप देख सकते हैं, रेड कैंडल बनी, फिर छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी और नीचे आ गया। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इसने ऊपर जाने की मूवमेंट करी और आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, और आप देख सकते हैं 50 दिन का मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा हर्डल रेजिस्टेंस का काम करा और कम से कम 5 दिन उस ट्रेंड लाइन के नीचे ये रेजिस्टेंस फेस करते रहा। इस तरीके से यहाँ पर हुआ, पर आप अब देखिए नीचे जाते हुए देखिए, एक दिन इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़ दिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे गया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, और ये टाइम है जून 2019 जून को इसने जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, और इसने ये ब्रेकआउट कब दिया है अराउंड, आप देख सकते हैं कि सितंबर, आप देख सकते हैं नवंबर के टाइम पे, 1 नवंबर को इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, प्लस इसने जो लेवल है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। अब आप देखिएगा इस ये जो ट्रेंड लाइन है कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा इसने, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ रेजिस्टेंस, कम से कम ये ट्रेंड लाइन के नीचे कम से कम 10 से 12 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, और उसके बाद भी हम देख सकते थे कि अब जैसे ही इसने ब्रेक दिया, एक तो ट्रेंड लाइन, एक मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक दिया, वहाँ पर अब ये अपना एक चैनल के ऊपर बना रही, देखिए एक चैनल के अंदर एक ये काम कर रहा है। सो अब जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हमारे लिए ये एक बाय जोन है, और ट्रेंड लाइन पर जब तक ये सपोर्ट लेता है तब तक हम एक बाय पोजिशन इस पर बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ नीचे आया, ये था आप देख सकते हैं 11th of December को ये नीचे आया, अपने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा और दोबारा ऊपर चला गया और दो दिन उसके ऊपर क्लोजिंग देने में ये कामयाब रहा। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पर्टिकुलरली चीज़ें काम करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। तो अभी ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए दे रही है। अब मैं अभी इस ट्रेंड लाइन को आपके लिए हटा देता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं जो मैं आपको पैटर्न दिखाना चाह रहा था। कहीं से वो पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं और वो पैटर्न को देखते हैं कि वो पैटर्न क्या बता रही है और क्या सजेस्ट कर रही है। एक सेकेंड गाइस, अब मैं आपके लिए वो पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। ये देख सकते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा पैटर्न है, क्योंकि मैं आपके साथ गाइस बहुत बार शेयर कर चुका हूँ वो पैटर्न जी गाइस। सो आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलरली मैंने पैटर्न ड्रॉ करा हुआ है। मैं इस पर एक लाइनिंग ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। एक सेकेंड गाइस, जी गाइस। सो ये पैटर्न जो है गाइस, ये एक बुलिश बैट पैटर्न है। इसे हम कहते हैं बुलिश बैट पैटर्न। और जो इसका ये जो सीडी लाइन देख रहे हैं आप, ये जो सीडी लाइन, ये जो सीडी, ये रिट्रेसमेंट लाइन जो होती है, ये रिट्रेसमेंट सीडी लाइन 886 तक आनी चाहिए। हाँ गाइस, 0.2 अगर मैं थोड़ा सा और नीचे करूँगा, ये थोड़ी परफेक्ट नहीं बनी, 0.2 से हम रह गए हैं 0.002 से। सो गाइस 886 तक आती है और वहाँ से हम एक रिवर्सल देखते हैं। तो गाइस अब हमें यहाँ पर एक रिवर्सल देखना है, तो अब ये टारगेट क्या है एग्जैक्ट आप देख सकते हैं 886 से ही थोड़ी शैडो नीचे है, वो मैं इसको नीचे करूँगा तो एग्जैक्ट 886 आएगा पॉइंट। अब गाइस मैं एक इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाता हूँ और हम टारगेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो 50 डे का मूविंग एवरेज है वो अराउंड आ रहा है 60 रुपये पे। और अब आप देखिएगा कि 60 रुपये का मैंने आपको टारगेट भी दे रखा है। अब हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और फिबोनाची से आप देखिएगा किस बढ़िया तरीके से ये हमें बता देगा कि 60 रुपये का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड गाइस, हाँ गाइस, अब आप देख सकते हैं कि 618 जो गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है हम देखते हैं फिबोनाची के अंदर 618 का एग्जैक्ट वो लेवल है। और एग्जैक्ट ये 50 डे का मूविंग एवरेज जो कि दिखा रहा है कि यहाँ से पर्टिकुलरली इस लेवल से हम एक अपमूव देख सकते हैं। तो गाइस ये एक तरीके का पैटर्न है जो दिखा रहा है कि बुलिश बैट यहाँ से अपमूव दिखा सकता है। और अब मैं आपके लिए एक गाइस बना देता हूँ जो कि ऑटोमेटिकली एक सिग्नल दे देगा कि क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है और किस तरीके से परफॉर्म करना है उसे। एक सेकेंड जी, देखिएगा ये लेवल है 40 का लेवल है। एग्जैक्ट 40 के लेवल से हमने एक मूवमेंट देखी है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 60 का। और हमारा जो रिट्रेसमेंट लेवल है, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, वो हमारा स्टॉप लॉस किधर मेंटेन होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड, अगर हम बात करते हैं जो हमारी जो प्रीवियस ये जो एक्स होता है ना, जहाँ से ये पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है, उसके हम कुछ पॉइंट्स नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखते हैं। तो एक स्टॉप लॉस में एक कुछ पॉइंट नीचे मेंटेन करके रखता हूँ जो कि इसका प्रीवियस लो है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस लो हम यहाँ पर रख देते हैं जो कि इसका ये प्रीवियस लो है, जो एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, क्योंकि बहुत दूर रखने स्टॉप लॉस रखा है तो एक रिस्क मेंटेन रहता है। सो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन आपको पूरा ग्रीन एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा पूरा टारगेट है इतना बड़ा, पर ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हैं ये हमारा एक स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। तो अब अगर मैं इसमें इसे लगा देता हूँ तो आप ये देखिए, आपको दिख रहा है ये टारगेट 20 और कितने परसेंट की उछाल दे सकता है, 53% तक की उछाल दे सकता है। स्टॉप लॉस क्या है, 10 रुपये, यानी कि 25% का स्टॉप लॉस है। 1:2 का रेशियो देख रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का। तो बहुत बढ़िया तरीके से गाइस आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल से जब इसने उछाल दी, ये जो रिट्रेसमेंट लेवल देख रहे हैं 236 382 5, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हाँ ये गाइस, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं। एग्जैक्ट एक दिन में ये 60 का लेवल नहीं छू जाएगा 40 से, इसको बीच में थोड़े बहुत रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इसने यहाँ पर प्रीवियस कैंडल में करा था, अब करा था। जब ये 236 को तोड़ेगी तो ये फर्स्ट इसका टारगेट होगा 382, जब इसको तोड़ेगी तो 0.5 का लेवल होगा, फिर इसको तोड़ेगी फिर ये लेवल होगा। गाइस थोड़े बहुत रेजिस्टेंस भी तो हम बीच में देखते हुए चलेंगे कि आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। तो इसी टाइम पे इसी तरीके से आप अपने उस पर ड्रॉ करिए और देखिए किस तरीके से आपको दिखा रहा है। देखिए गाइस बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बुलिश बैट पैटर्न है। और मैं आपके लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको कि कौन सा पैटर्न बना है। ये एक बुलिश बैट पैटर्न है जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है।
और टारगेट भी मैं आपके लिए दोबारा नोट करा देता हूँ कि आपको पता आसानी हो जाए। टारगेट भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, टारगेट हम लेकर चल रहे हैं गाइस 60 का, यानी कि हमें 60 रुपीज़ तक की इसकी जाने की कैपेसिटी है। ठीक है गाइस, ये एक सेकेंड मैं इसे ना नीचे ले जाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं ये पूरा 60 टारगेट तक जाएगा, ठीक है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको कहाँ मेंटेन करके रखना है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना है, आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखना है अराउंड आपको 20 विच लेवल के अंदर आपको मेंटेन करना है, आपको ये मेंटेन करना है अराउंड 30 पे, ठीक है गाइस। सो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 30 का आपका स्टॉप लॉस है और 60 का आपका टारगेट है, ट्रेड कर रहा है 40 पे। तो इस बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन से आप इसमें ट्रेड लेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये एक बुलिश बैट पैटर्न है जो इस बैंक के अंदर हमें बनते हुए देखने को मिला है। और जो एग्जैक्ट ये लेवल है जो 886 मैंने आपको बताया रिवर्सल रेशियो होता है, जो एक रिवर्सल पॉइंट होता है वहाँ से एक रिवर्स करा। दूसरी बात, जो मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म एक साल की जो ट्रेंड लाइन दिखाई थी वो ट्रेंड लाइन पे भी इसने सपोर्ट लेके एक उछाल दिखाई है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 60 तक तो जाने की इसकी कैपेसिटी है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें गाइज, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये मिनिमम टू मिनिमम 15 दिन दिखा सकता है। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ये 60 रुपये तक के लेवल तक पहुंच सकता है, और शायद हो सके कि वो और उसके लेवल भी पहुंच जाए। क्योंकि गाइज मिनिमम टारगेट हम लेकर चलते हैं वो हम देखिए गाइज, आपको मैं एक बैट पैटर्न का मिनिमम टारगेट बता देता हूँ जो कि है 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 52 का लेवल है जो कि 12 रुपये ऊपर है। नेक्स्ट आता है 61860 का लेवल, पर गाइस जैसे ही इसके ऊपर निकलना शुरू होता है तो वो अपने ये प्रीवियस हाई को, ये जो लाइन है मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, इस लाइन के ऊपर भी निकलना शुरू कर देता है, यानी कि इस पैटर्न के ऊपर भी ये निकलना शुरू कर देगा। इस पैटर्न को भी ये तोड़ सकता है और भी हाई लेवल्स बना सकता है। इसलिए ये जो पैटर्न्स होते हैं बहुत रेयर पैटर्न्स होते हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स, और ये बहुत कम तरीके से देखने को मिलते हैं। और मैं खुद ही सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न्स पे ही ट्रेड करता हूँ, जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे देख चुके होंगे। इसी के साथ गाइज, अगर आपको ये जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट्स पे आप लोगों को अच्छे से सिखाया, अगर आपको समझ में आया हो तो गाइज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को कि बहुत से लोग इसको देख के फ़ायदा उठा सकें। और गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कौन से पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आप और सीखना चाहते हैं, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं एक चार्ट के लेकर आऊँ वीडियो जो आपको लगता हो कि एक हफ्ते के अंदर आपको अच्छा खासा फ़ायदा देने की कैपेसिटी में रखते हैं, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम उसके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।